हम लोग एक सत्संग में मिले थे आर्ट ऑफ लिविंग का, वेयर रोहन वॉज सिटिंग ऑन स्टेज एंड मैं वहाँ पर एक ऑडियंस की तरह सुनने गई थी रॉकिंग भजन जो यूथ के लिए होता है. तो मेरी नजर इस पे गई तो मैं देखा रोहन वॉज स्टेयरिंग एट मी. एंड आर्ट ऑफ लिविंग में जनरली होता है पीपल एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, सो आई स्माइल बैक एट हिम. आफ्टर दैट मेरा ध्यान जब भी रोहन पे जा रहा है तो आई एम लाइक कैचिंग हिज अटेंशन कि वो मेरे को ही देख रहा है एंड नॉन स्टॉप फॉर लाइक 2 hours. मैं जहाँ जहाँ शिफ्ट अपना मूवमेंट चेंज कर रही थी एंड ही वॉज जस्ट पीपिंग पिलर के पीछे जाके छुप गई देखने के लिए कि यार मेरे को क्यों देख रहा है. आई वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल. आई वॉज नॉट पीपिंग, आई जस्ट लव. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि वाओ शी इज सो प्रिटी. मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशन, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. इनफैक्ट आई कुड नॉट रेजिस्ट. मतलब इतना सुंदर मेरे को उस टाइम लग रहा है. आई एंजॉयड द होल 2 hours. But when you hold me near, you found out to cry. One extra extra could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know. तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं. बट देन आई थॉट चलो अच्छा लड़का है वैसे, लाइक कुछ गड़बड़ नहीं है. आई थॉट कि चलो ही सामान जिसके साथ मैं जा सकती हूँ एंड सो मैंने हाँ किया था. यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं मूवी गई. स्पेशल थी उस दिन मेरे को जब बोल रही थी कि मूवी से निकलने के बाद कि यू नो तुम पहला लड़का हो जिनके साथ हम लोग हम फर्स्ट टाइम मूवी गया अकेले में. I was like, wow, कुछ तो अच्छा दिखने मेरे को भगवान दिखा रहे कि फिर तुम सही चला रहे हो.
so happy, I am so lucky to Gurudev that I got her.